नमस्कार, नादी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चले करते हैं खबरों की शुरुआत मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुणे के दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री ने पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर और उनके जन कल्याणकारी सुशासन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय चर्चा में शामिल हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि महाराज शिवाजी का जीवन अद्वितीय था। उन्होंने अत्याचारियों को खूब सबक सिखाया। साधारण व्यक्तियों को संगठित कर उन्हें असाधारण बनाना सिर्फ विलक्षण व्यक्तित्व का कार्य हो सकता है, और वह व्यक्तित्व महाराज शिवाजी थे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भारत को सनातन संस्कृति और महान विचारों के लिए जाना जाता है, जिसने सदैव ही दुनिया को प्रेरित किया है। इसी संस्कृति के प्रतीक शिवाजी महाराज की जयकार करते हुए हम गर्व का अनुभव करते हैं। वहीं सीएम ने कहा कि आज हम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस की बात करें तो उस दौर में जब हमारा अपना देवस्थान ध्वस्त हो गया था, लेकिन आज बाबा विश्वनाथ के धाम में पूजा करने के लिए जाने का मौका मिलता है। ये मौका अहिल्या माता ने ही दिया है। कार्यक्रम के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि लाडली बहना अच्छी योजना है, अन्य राज्य भी इस योजना को अपना रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है, आगामी चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। जिस प्रकार से जो उदात्त भाव महाराज शिवाजी का आज नरेंद्र मोदी जी उस आशा और अपेक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमें इस बात की प्रसन्नता। जब वो नौसेना के लिए नया ध्वज आजादी के बाद तुरंत होना चाहिए, लेकिन आजादी के बाद पहली बार नौसेना का ध्वज आता है और महाराज शिवाजी याद आ जाते हैं, हमारा सम्मान। और एक नहीं, ऐसी कई सारी 300 कलाकृतियों को लेकर के आए नरेंद्र मोदी जी अमेरिका से, तो वो ही भाव हमारा आता है, जिसके कारण से भारत सदैव से अपने उस सनातन संस्कृति के उस विचार के लिए जाना जाता है, जिसके कारण से महाराज शिवाजी की जय जयकार करते हुए हम थकते नहीं है। जिनने सही कहा, मुझे अभी दृश्यांकन दिखाया गया कि उनने स्वयं ने कभी अपने को राजा होने की इच्छा आकांक्षा व्यक्त नहीं की, लेकिन उससे बड़ा जो उनने बड़ी चीज दी, उन्हें जो विचार दिया, वो स्वराष्ट्र का विचार, स्वधर्म का विचार, अपने राष्ट्र का विचार, वही तो महाराष्ट्र बनके दुनिया में छाया हुआ। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा आज के इस दौर में। हमारे उस विचार के आधार पर परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे, हमारी अच्छाई हम दुनिया में बांटते रहे और हमारे राष्ट्र पर किसी भी तरह की कभी कोई प्रश्न नहीं आए, ये कामना करते हुए। ये बहुत अच्छी योजना है और ये योजना कई राज्य अपना रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि हमारे महाराष्ट्र में भी इस योजना का प्रचार प्रसार हुआ और नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी उल्लेखनीय और ठोस योजना है, जिसमें सीधे सीधे व्यक्ति के हाथ में पैसे आते हैं, बहनों के हाथ में पैसा आए और बहनें अपने जीवन में हमेशा परिवार के लिए खर्च करती। अपोजिशन तो ठन ठन पार मदन गोपाल, कभी उनने किसी के लिए कुछ किया नहीं, सदैव लूटने खसोटने में लगे रहे और उनको लग रहा है कि हमारी इन योजनाओं के बलबूते पर उनकी कुर्सी खसकती नजर आ रही है, तो सपने का एक वो तो कभी इस भाव में रहे ही नहीं। इसीलिए हम मध्य प्रदेश से आते हैं, वहाँ 200 साल से बाहर है, बीच में एक गलती से बने तो फिर बाहर हो गए, तो ये योजनाओं के बलबूते पर समाज का दिल जीता जाता है।